हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 को। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले है राइट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी कि 10999 के जस्ट बाद का 3 नेचुरल नंबर हमें यहां पर लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10999 में क्या करेंगे, प्लस 1 करते जाएंगे। हम कर देते हैं आंसर में 10999 प्लस 1। जैसे हमने प्लस 1 किया, हमें क्या मिल जाएगा, इसके जस्ट बाद का नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11000। उसी तरह से एक नेचुरल नंबर हमें मिल गया है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट 11000 में 1 को ऐड कर देंगे। 11000 में ऐड करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 11001। अब उसी तरह से 11001 में 1 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 11002 हो जाएगा। ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर, यानी कि ये तीनों हुए 10999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में 3 होल नंबर्स लिखने हैं जो कि जस्ट बिफोर आते हैं किसके, 10001 के। अब हमें क्या निकालना है, जस्ट बिफोर का निकालना है। जस्ट बिफोर किस में होता है, प्रेडिसेसर में होता है, यानी कि हमें क्या करना होगा, 1 सब्स्ट्रैक्ट करते जाना होगा। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, 10001 सब्स्ट्रैक्टेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10000। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में हम क्या करेंगे, 10000 सब्स्ट्रैक्टेड बाय 1 is equals to 9999। अब उसी तरह से हम 9999 में सब्स्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 9998। यानी कि ये तीनों हो गए हमारे होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10001 में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि होल नंबर में सबसे छोटा कौन सा होता है। तो होल नंबर हम जानते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, और 0 क्या है, नेचुरल नंबर में तो है नहीं, और 0 किससे पहले आता है, 1 से पहले, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फोर्थ में पूछा गया है हाउ मैनी होल नंबर्स आती है इन बिटवीन 32 एंड 53, यानी कि 32 से लेकर 53 के बीच में, बिटवीन बोला गया, यानी 32 और 53 को हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 32 से काउंट करते हुए जाएंगे, 32 33, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, 53 तक। अब हमें क्या करना, 32 और 53 को तो काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है, इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उसे काउंट करना है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड का अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 में हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 32 तक तो हमको काउंट करना ही नहीं, तो 32 तक सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, 53 सब्स्ट्रैक्टेड बाय 32। अब हमें क्या करना है, 32 तो हमने हटा दिया, लेकिन यहाँ पर 32 से 53 के बीच का नंबर निकालना है। अगर हम सिर्फ 32 तक हटाते हैं तो 53 तो काउंट में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 53 सब्सट्रैक्टेड बाय 32 सब्सट्रैक्टेड बाय 1, यानी कि वो 32 और 53 के बीच का नंबर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 20। यानी कि 32 और 53 के बीच का टोटल होल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 20 होल नंबर्स है। हमने इसमें क्या किया, 53 सब्सट्रैक्टेड बाय 32 सब्सट्रैक्टेड बाय 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 32 से 53 तक जब हम नंबर लिखते हैं, हमने क्या किया, 32 तक को पहले सब्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना था, 53 और 32 के बीच का नंबर निकालना था। अगर हम सिर्फ 32 तक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 53 भी तो काउंट में आ रहा है, तो इसलिए एक नंबर और हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा टोटल इन दोनों के बीच का होल नंबर निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिस पे बोला गया है राइट द सक्सेसर ऑफ दीज, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उसका क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं किसी भी नंबर पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसे,
पास क्या है 24,40,701। अब इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है, तो इसे हम इस नंबर को हम लिख लेते हैं 24,40,701। अब हमें क्या करना होगा सक्सेसर के लिए, 1 ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा आंसर 24,40,702, ये हो गया इसका सक्सेसर। सेकंड में हमारे पास क्या है 1,199। अब हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1,199। इसमें हमें क्या करना है इसका सक्सेसर निकालने के लिए प्लस 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1,200। 199 प्लस 1 200 हो गया, ये हो गया इसका सक्सेसर। उसी तरह से हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे जिसपे है 10,99,999। अब हमें क्या करना है इसमें 1 ऐड कर देना है, हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 11,00,000 हो जाएगा, यानी कि 10,99,999 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 11,00,000 हो जाएगा। उसी तरह से हम आते हैं हमारे डी नंबर पे, डी नंबर पे क्या है 23,45,670। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, हम 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 23,45,671। ये सारे हो गए इन नंबर्स के सक्सेसर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे जिसपे बोला गया है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दीज, यानी कि अब हमारे पास जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हमें क्या निकालना है उसका प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम पढ़े थे क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट में हमारे पास क्या है 94 है, 94 का प्रेडिसेसर हम निकालेंगे सब्सट्रैक्टेड बाय 1, ये क्या हो जाएगा 93, यानी 94 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 93। उसी तरह से 10,000 है तो 10,000 सब्सट्रैक्टेड बाय 1। अब 10,000 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,999 किसका प्रेडिसेसर हो गया 10,000 का हो गया। उसी तरह से आगे हमारे पास है 2,08,090। अब 2,08,090 में हम 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 2,08,090, हमें क्या निकालना है प्रेडिसेसर सब्सट्रैक्टेड बाय 1, ये हो जाएगा 2,08,090 का 90 सब्सट्रैक्टेड बाय 1, ये हो जाएगा 89। उसी तरह से हम आते हैं आगे, यहाँ पर हमारे पास है 76,54,321, हम इसे लिख लेते हैं 76,54,321। अब इसमें हमें क्या करना है 1 सब्सट्रैक्ट करना है, 1 सब्सट्रैक्ट हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा 76,54,320, ये हो जाएगा हमारा इसका प्रेडिसेसर। उसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है स्ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डर नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर लाइन इससे पहले हमने सीखा था उसमें कौन सा नंबर, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में आएगा। राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन, कौन सा साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, यानी कि इन दोनों के बीच हमें ये साइन को यूज करना है। अब ये हम कैसे जानेंगे कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, हमने नंबर लाइन पढ़ा था जिसमें हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से, और किस साइड हम बढ़ते हैं राइट साइड में बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाते हैं इन्फिनिटी तक, ये था हमारा नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम कहाँ से स्टार्ट करें, जीरो से 1, 2, 3, 4 हम क्या कर रहे हैं ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, किस साइड में बढ़ रहे हैं राइट साइड में, यानी कि जो भी नंबर लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं किसी दूसरे नंबर के वो क्या होगा उससे छोटा होगा, जैसे कि 1, 2 से छोटा है, 2 के लेफ्ट साइड में 1 है और 1 क्या है 2 से छोटा, उसी तरह से 2, 3 से छोटा है, 2 क्या है 3 के लेफ्ट साइड में, उसी तरह से 530 और 503 में जो भी नंबर छोटा होगा वही नंबर लेफ्ट साइड में आएगा।
तो हम यहाँ पर से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस दोनों में से जो भी छोटा होगा वही इस नंबर लाइन के ऑर्डर में लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 530 एंड 503। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डर नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हमें इसके बीच में लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं 530, अब हमें इसमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन बनाना है। तो ग्रेटर कौन सा है हमारा, ग्रेटर हमारा क्या है 503, और 503 तो छोटा है क्योंकि वो किस साइड में आ रहा, वो लेफ्ट साइड में आ रहा नंबर लाइन के, यानी कि 530 ग्रेटर होगा 503 से। ये हमने साइन यूज कर लिया। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है 370 और 307 है। अब इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो नंबर लाइन में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा, सिंपल है। तो इसे हम करते हैं 370, 307 में कौन सा छोटा है, ऑफ कोर्स 307 छोटा है। तो हम क्या करेंगे 307 इज ऑन लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। ये हमने कर दिया। और इन दोनों में से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये 370 बड़ा है 307 से, तो ये ग्रेटर देन 307, ये हो गया। उसी तरह से हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें है 98,765 और 56,789। अब इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो किस साइड होगा नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर किससे स्टार्ट होगा, 9 से और ये 5 से, यानी कि नंबर कौन सा छोटा होगा, 56,798 छोटा होगा, यानी कि 56,798 किस साइड में होगा नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड में होगा इससे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 56,789 is on लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। ये हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा दिए इसके तरफ। अब इसमें जिस साइड भी ये खुला हुआ रहता है वो साइड क्या होता है, बिग के लिए होता है, और जिस साइड में ये पॉइंट निकला हुआ रहता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन का साइन होता है, यानी कि ये साइड क्या होगा, स्मॉलर होगा, और ये साइड क्या होगा, लार्जर होगा, यानी इधर साइड हम लार्जर नंबर को डिनोट करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी पे, जिसमें है 98,30,415 और दूसरा नंबर क्या है 1,23,001। अब इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन में, ऑफ कोर्स जो छोटा होगा। अब यहाँ पर ये क्या है 1 करोड़ में है, और ये क्या है 98 लाख में है, तो जाहिर सी बात है 98 लाख 1 करोड़ से छोटा ही होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये साइन हम लगा दिए यहाँ पर, यानी कि हम इससे पहले मैंने क्या बताया था, जिस साइड में ये ओपन रहेगा वो साइड क्या होता है, बड़े वाले के लिए होता है, यानी कि ये बड़ा था इसलिए हमने इधर साइड ओपन रखा। और हम लिख सकते हैं जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि 98,30,415 is on left on number line। ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि वो
स्टेटमेंट सही है या गलत है। जो भी सही होगा उसके आगे हम ट्रू लिख देंगे, जो भी गलत होगा उसके आगे हम फॉल्स लिख देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है। जीरो किस में आता है, जीरो होल नंबर में आता है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या है, वो है फॉल्स। यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वन। आते हैं सेकंड पे, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। प्रेडिसेसर क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम वन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस नंबर का प्रेडिसेसर हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं 399 का प्रेडिसेसर बोला गया। 399 में हम वन को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम 399 में सब्सट्रैक्ट वन करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 398 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, 400 को बोला गया, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या गलत है, क्योंकि 399 का प्रेडिसेसर तो 398 है। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट में, जिसमें क्या बोला गया है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब इससे पहले हमने जाना कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, वन होता है। तो फिर जीरो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला गया है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर वो होता है किसी भी नंबर में अगर हम वन को ऐड कर लेंगे तो जो भी नंबर निकलता है वो क्या हो जाता है, उस पहले वाले नंबर का सक्सेसर हो जाता है। 599 में अगर हम वन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बोला गया, 600। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसी तरह से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यानी कि ये बोला गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स भी होते हैं। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो वन टू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, होल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है वो किस में इंक्लूड होता है, वो सारे होल नंबर्स में भी आते हैं। होल नंबर्स में बाकी सारे नेचुरल नंबर्स तो है ही, एक्स्ट्रा से क्या ऐड है, जीरो ऐड है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। यानी कि सारे जो भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी कि होल नंबर्स में जीरो भी आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर्स में तो जीरो आता ही नहीं है। यानी कि अगर होल नंबर का बात करें, सारे होल नंबर का, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। यानी कि ऑल होल नंबर्स आर नेवर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आ रहा है और जीरो तो कभी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आते हैं जी नंबर पे, द प्रेडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यानी कि किसी भी टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है स्टेटमेंट में। तो क्या हम बाकी सारे नंबर्स को तो हम देख सकते हैं, 98 का 97 होता है, जैसे 55 का 54 होता है, ये सारे टू डिजिट नंबर है। लेकिन जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 क्या होता है, 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा, प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टेड बाय 1। 10 में जब 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 9, जो कि क्या है, एक
सिंगल डिजिट नंबर है, और स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, किसी भी टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हमको तो यहाँ पर मिल गया है 10 सबट्रैक्टेड बाय 1 इज इक्वल टू 9। क्या मिला हमें, 10 का प्रेडिसेसर 9 है, यानी कि टू डिजिट नंबर का कोई प्रेडिसेसर 9 यानी कि सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसी तरह से आते हैं एच नंबर पे, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि जो होल नंबर जितने भी होते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1 होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 को स्मॉलेस्ट बोला गया है, लेकिन 1 से भी छोटा यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, होल नंबर का बात कर रहे हैं, ना कि नेचुरल नंबर्स का बात कर रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब आते हैं हम आई नंबर पे, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, यानी कि 1 जो एक नेचुरल नंबर है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि लेकिन 1 का तो प्रेडिसेसर होता है 0, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर 1, यानी कि 1 को हम किस में कंसिडर कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में कर रहे हैं, ना कि होल नंबर में। और 0 किस में आता है, होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में तो 1 से छोटा और कुछ है ही नहीं, 1 सबसे छोटा है, इसीलिए 1 का कोई प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसी तरह से आते हैं जे नंबर पे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर का बात किया था हमने जब, तो हमने क्या बोला था कि 1 का कोई प्रेडिसेसर है नहीं, लेकिन अब यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, हम होल नंबर का जब बात करते हैं, तो होल नंबर में 1 से भी छोटा है कोई, 0 है, और 0 किस में आता है, होल नंबर्स में ही आता है, यानी कि 1 का प्रेडिसेसर होल नंबर में अवेलेबल है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये हो गया फॉल्स। आते हैं के पे, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब यहाँ पर किसका बात किया है, 13 का बात किया गया, जो कि एक होल नंबर है, वो किसके किसके बीच लाई करता है, 11 और 12 के बीच। लेकिन जब हम नंबर लाइन को जब देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, 11 के बाद कौन क्या आता है, 12 आता है, उसके बाद क्या आता है, 13 आता है। ये सीक्वेंस कैसे चलता है, 11, 12, फिर 13 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो क्या इस सीक्वेंस में 13 11 और 12 के बीच में है क्या, नहीं है, वो क्या है, 12 के राइट साइड में है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। अब यहाँ पर हम किसका बात करें, होल नंबर का बात करें, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ, 0 है, तो फिर 0 का प्रेडिसेसर हो सकता है क्या कुछ, सबसे जब छोटा ही 0 है, तो उसमें हम कुछ भी घटाएं तो उससे छोटा और कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। ये हो गया, द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई दो डिजिट का नंबर है, उसका सक्सेसर हमेशा ही दो डिजिट का नंबर ही होगा, कभी वो सिंगल डिजिट या फिर थ्री डिजिट्स में नहीं जाएगा। सिंगल डिजिट में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सिंगल डिजिट तो पहले आता है, यहाँ पर बात किसका हो रहा है, सक्सेसर का हो रहा है, तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो तीन डिजिट में जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, यानी कि कोई भी दो डिजिट नंबर अगर है हमारे पास, उसका अगर हम सक्सेसर निकालते हैं, यानी कि इसमें हम ऐड करते हैं 1 को, तो उसका आंसर हमेशा ही टू डिजिट नंबर होगा। क्या ये पॉसिबल है, अगर हम 99 ले लेते हैं, ये तो एक टू डिजिट नंबर है, अब इस टू डिजिट नंबर में ऐड कर देते हैं हम 1 को, तो इसका आंसर क्या होगा, कभी भी 99+1 टू डिजिट नंबर में आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा।
यानी कि ये किस में आ गया, थ्री डिजिट्स में आ गया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.1 को। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।